नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ सर, नमस्ते हाँ नमस्ते, कौन? सर। पीके सर बोल रहे हैं आप कौन? सर? हम राजेश पांडे सुल्तानपुर से, बताइए। बनारस का आगे जौनपुर, जौनपुर आगे सुल्तानपुर है, तो वहाँ पीपी कवैंचा ब्लॉक है। हम सर, हम शिक्षा मित्र हैं। हम आज लगभग 1.5-2 साल से आपका यूट्यूब पे या देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। ठीक। अच्छा, रही बात ये कि भाई जो कागज जो होता है, कागज के अनुसार जो होता है वो चलता है, वही पक्का होता है। हमारे कहने का मतलब, जो बातें आपने शुरू से कहना शुरू किया और सरकार की योजना के तहत, बेसिक शिक्षा की योजना के तहत, वो सब धीरे धीरे सामने आता जा रहा है। और रही बातें कि सर, कोई काम हमको आपको छोटा सा करना होता है, हमको आपको प्लान बनाना पड़ता है, व्यवस्था बनानी पड़ती है। व्यवस्थापक में कौन कौन से अंग जुड़े होते हैं, उनको लाना पड़ता है, तब उसको मूर्त रूप में हम पंडित कर पाते हैं। ये तो हमारी आपकी व्यक्तिगत व्यवस्था है, लेकिन एक राजा या आज के दौर में कहिए चाहे सरकार का, वो तो पूरे सब जनता के हितार्थ में लगभग सबके लिए करना पड़ता है। तो कितनी बड़ी बड़ी बजट की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और दूसरी, एक ही तो है नहीं, यही विभाग ही है भाई। व्यवस्था चलाने के लिए देश या प्रदेश की हर विभागों को ध्यान देना पड़ता है। आपके सारे सभी बातों का सार क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव क्या कहना चाह रहे हैं? हमारा सर पॉजिटिव सार है, हम बहुत खुश हैं सर। हाँ, तो ये अब समझ में आया कि आप जो है इतने टाइम से जुड़े हुए हैं, सारी जानकारी इतनी सारी वैसे जानकारी। सर, जैसे जब जुड़े उससे पहले भी जो जो जिसे समायोजन रद्द हुआ तो शिक्षा मित्र की गलती थी नहीं, अधिकारी ने बताया, नेता ने डीटो की और काम हो गया। ये तो भाई, ये जिसकी गलती है वो लोग जाने। थोड़ा सा यहाँ रोकेंगे आपको। मोटरसाइकिल चलाते हैं, जी सर, कभी कोई पार्ट खराब हो जाता है तो जाते हैं मार्केट में लेने, तो ओरिजिनल दे रहा है या डुप्लीकेट दे रहा है, ये जांच कौन करता है? भाई एक तो पूछते हैं, दूसरा हम ही स्वयं जांच करते हैं। ठीक है, आपको जानकारी है नहीं है, लेकिन आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि हाँ हमें जी जी ओरिजिनल जी सामान मिले, डुप्लीकेट ना मिले, क्योंकि मार्केट में डुप्लीकेट भी अवेलेबल है जी और लगभग सभी दुकानदार डुप्लीकेट रखते हैं, जी सर और जो अनजान रहता है उसको वो डुप्लीकेट ही बेचते हैं। जी जी पक्का, हमने एक एग्जांपल से मोटरसाइकिल लिया है, ये तो हर किसी हम जगह होता है, समझ गए सर तो कहीं ना कहीं आप पैसा लगा रहे हैं तो आप जी सचेत रहते हैं कि जी हमारा जी पैसा सही जगह लगे, हमें सही सामान मिले, तो जी इसके लिए आप जो है प्रयास करते हैं, उससे बार बार कंफर्म करते हैं भाई ओरिजिनल है ना, और निकाल करके अपनी तरफ से जो जानकारी है उसको चेक भी करते हैं। जी सर अगर नहीं समझ में आता है तो एक दुकान के बजाय चार दुकान जांच करते हैं। हाँ, सहारा लेते हैं किसी जानकार का। बड़ा शोर हो रहा है आपकी तरफ, जी सर, इधर किनारे। हाँ जी तो ये काम जब आप 100 200 500 1000 रुपए का सामान खरीदते हैं तब करते हैं, जी तो पहले से आप जानकारी रखते हैं, दुकान पर जाते हैं, जांच करते हैं, समझ में नहीं आता है तो अन्य जगह पर चेक करते हैं, जहां समझ में आता है वहां से लेते हैं। तो इतनी बड़ी गलती हुई, समायोजन हुआ, इतने बड़े संगठन में इतने सारे नेता थे, एक लाख 72 हज़ार लोग थे, क्या इनमें किसी एक के पास भी इतनी बुद्धि नहीं थी कि जो है देख सकें कि जो नियम क्या कहता है और ये नियम के विरुद्ध हो रहा है तो इसका क्या परिणाम होगा? जी सर, तो देखना चाहिए था तो बहुत। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि शिक्षा मित्र की कोई गलती नहीं थी? हाँ, ये मानते हैं सर कि भूल हो गई हमसे, हमें। हमारे हमारे एक मित्र हैं बिहार में हैं, और अभी हमने एक दो बार उनसे बातचीत किया तो उनकी रिकॉर्डिंग भी डाला है। बिहार में अभी भी शिक्षक सेवा चयन नियमावली बनाई गई है, तो वो 2014 से नौकरी कर रहे हैं अब तक, और वो नियोजित शिक्षक हैं और वर्तमान में करीब 35,000 या 35-40 के आसपास पा रहे हैं। उनको आज तक नहीं खबर था कि जो है भविष्य में कभी हम जो है हटाए भी जा सकते हैं या कुछ ऐसा हो सकता है।
जी जब जी मेरी उनसे बात हुई तो वो लगे कहने, भाई हम लोग तो कभी सोचे ही नहीं था ऐसा कुछ होगा, सब बढ़िया चल रहा था। तो हम कहे भाई आप जिस दिन ज्वाइन किए उसी दिन लिखा हुआ था नियोजित शिक्षक, राज्य कर्मी नहीं लिखा हुआ था उस पे। जी वो आप नहीं पढ़े नहीं समझे। अलग बात है। और आपका संगठन जो है धरना कर रहा है, प्रदर्शन सर कर रहा है। संगठन काटेंगे बात, थोड़ा क्षमा करिएगा, मैं संगठन का नाम बिल्कुल लेना ही नहीं चाहता। हाँ, इसीलिए तो यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि आज और जैसे इसलिए आपका। सर, इसलिए कि झूठ के अलावा कुछ है नहीं। बिल्कुल, ये जितने भी संगठन बनते हैं ये अच्छा सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। अच्छा सर, संगठन कोई काम करा सकता है या कर पाता है? कुछ कभी नहीं नहीं, कभी नहीं। भाई, हमारे जो मुखिया हैं अधिकारी, ठीक, मुखिया की अनुमति होगी, अधिकारी प्लान बनाएंगे। और कौन राजा नहीं चाहता है कि हमारी जनता या खुश हमारे रहे। कर्मचारी जो वर्क कर रहे हैं वो भरपूर उनके द्वारा लाभान्वित ना हो, हाँ हर जो बिल्कुल। कमी है वो भी सुविधा मिले। बिल्कुल। लेकिन इसी में से लोग अपने माइक पकड़ लेंगे, मंच संभाल लेंगे, वह भाषा बोल जाएंगे। इसी में आम शिक्षा मित्र की भी कमी है, उसी में वो भी अपना बोल जाएंगे। तो इसलिए बोल तो गए, लेकिन बोलने के बाद ये प्रभाव कौन कब कितने दिनों तक झेलेगा, यह इनको भविष्य का भास नहीं था। बिल्कुल। तो हम तो सर कहते इनका नाम लेने को मतलब क्रोध ही चढ़ता है अब दो कि तीन परमात्मा अब भी छोड़ के रखो, तुम किनारे हो जाओ तभी ठीक है। दो तीन चीजें, जैसा आपने कहा कि कौन सा जी ऐसा मुखिया होगा जो नहीं चाहेगा अपनी जनता को, अपने कर्मचारियों को लाभान्वित। जी जैसे एक माता पिता अपने हर बच्चे को चाहते हैं अधिक से अधिक सुविधाएं दे दें, व्यवस्था दे दें, जी पक्का। लेकिन उनके हाथ बंधे होते हैं पैसे का अभाव या जिन भी, तमाम तरह की बातें हैं। तो उन कारणों से वो जो कर सकते हैं उतना कर रहे होते हैं और प्रयास करते हैं कि और अच्छी चीजें उनको अगला मिले। भी हो तो बिल्कुल ऐसे ही हर सरकार चाहती है, चाहे कुर्सी पर कांग्रेस बैठी हो, बीजेपी बैठी हो, सपा बसपा, हर कोई चाहता है अच्छा सर, सीधे से एक बात है, जैसे राजा से कुछ लेना है तो क्या आप टिप्पणी करके, कटाक्ष करके, बुराई करके आप ले सकते हो, हासिल कर सकते हो? आप राजा वो से। कोई भी हो, जैसे उस कुर्सी पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो भी कुछ, उनसे ऐसा करके कोई पा सकता है? बिल्कुल, नहीं। आपको चाहे राजा से लेना हो या किसी सामान्य जैसे व्यक्ति से भी लेना हो। हमारी ही आपकी बात है या आम नागरिक की बात है, अभी उसको हम तमाम तक 10 बातें कहे हैं और कहने के भाई साहब एक पेन दे दीजिए, इग्नोर करेगा, भाई साहब इसमें रिफिल नहीं है, ये तो दूसरे के है, भूल जाएंगे। तमाम सी डायरेक्ट नहीं इनकारेगा तो बहाना करेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी बातें, ऐसा कार्य, ऐसा स्टेटमेंट ना दिया जाए, ये जानते हैं कि हम यहाँ बोल रहे हैं, बातें उनके पास तो बहुत सारी बातें जाएंगी, बल्कि यहाँ कम हो जाएंगी, क्योंकि जो कड़ी ग्राम सभा से जुड़ी है, मतलब विधानसभा और लोकसभा तक, तो ये जैसे सबके परिवार होते हैं, वैसे उनका भी परिवार है। प्रधान के यहाँ पूरे गांव के लोग बैठते हैं, विधायक के यहाँ पूरे विधानसभा के लोग बैठते हैं, सांसद पूरे जिला के लोग बैठते हैं, उसे प्रदेश का हाल है। तो इन इन लोगों ने अपने गोड़ में खुद कुल्हाड़ी मारी, उसके बाद कुछ नेताओं के कहने पे गुमराह हुए। और दूसरी चीज, वोट बैंक के चक्कर में लोगों ने इनको भुनाया। लेकिन अब देखिए, प्रधानमंत्री महोदय हो या मुख्यमंत्री महोदय, जो भी काम उन्होंने किया है, जो भी काम करना चाह रहे हैं, उसमें इफ अवट छोड़ नहीं कि थोड़ा ही हो या जो भी हो वो पक्का हो, बिल्कुल। फिर भविष्य में उनको 4 दिन बाद हो, लेकिन उसमें फिर से परेशानी किसी को झेलनी नहीं पड़े। तो इसी वजह से ना जो आरटी एक्ट है वो कहता है जी कि प्रायमरी और जूनियर के लिए टीटी अनिवार्य है 2010 पे। तो जी वो तो कहता था विदेश पे लागू। अब जब वो ये कहता है कि टीटी अनिवार्य, तो वर्तमान में बिना टीटी के बिल्कुल जो शिक्षा मित्र हैं उनको कैसे उनके लिए रास्ता बनाया जाए। नहीं। अरे भाई,
जब तक उस विभाग की मेन संस्था या मुखिया से अनुमति नहीं ली जाएगी तो आप कैसे कर सकते हैं? तो ये समस्या ध्यान में रख करके ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब तैयार किया जा रहा था जी, तो कक्षा एक और दो को इसी वजह से प्राइमरी से उठा करके प्री प्राइमरी में कराया गया, ताकि जो आरटी एक्ट में है उससे अगर हम बचा जा सके, उससे बचा जा सके, और जो जो उस योग्य नहीं है उनके भी भविष्य सुरक्षित हो और उससे बचा भी जा सके। और भविष्य में यदि और बातें आती हैं तो उसको जो भी बंधन बंधना हो बांधा जा सकता है। भाई तो नियम नियमावली बदलते रहते हैं। बिल्कुल, रास्ता जो है उन्होंने जो निकाला है जो शिक्षा में बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। करीब करीब 50% शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो अभी भी टेट पास नहीं कर पाए हैं। जी, 50 और होंगे सर, एक लमसम 50% मान के चल रहे हैं, लगभग पास कर लिए, 50% बाकी हैं। तो 50% जो नहीं कर पा रहे हैं, मान लेते हैं भविष्य में कुछ और लोग कर लेंगे जी, लेकिन सारे तो नहीं कर पाएंगे। और सर ध्यान दीजिए, जैसे कोर्ट ने दो मौका कहा था, सरकार भर्ती भी निकाली, फिर भी उसमें नेतागिरी, ध्यान दीजिए हमारी बात, ध्यान दीजिए कि नेतागिरी में भी फिर ये हमारे लोगों को नहीं होने पाया, उलझा कर रख दिए नेतागिरी में। बस जैसे अगर 25 नंबर कटाव था, जो बातें हो गई, लेकिन भर्ती निकलने में यही जो जो आज लोग कर रहे हैं जय जयकार, उस समय अगर चाहे जो जैसा रहा हो, परिवर्तन होने के बाद अपने स्क्रिय से जुड़ना, अंत में यही 25 नंबर जो है हम कह रहे हैं चाहे टेट में दे देते चाहे सुपर टेट, आराम से सब काफी पास, सब सिलेक्शन हो जाता। देखिए जैसे अभी सम्मेलन हुआ लखनऊ में, जी, तो इस सम्मेलन में क्या हुआ, लोगों ने जो है सत्ता पक्ष के बारे में पॉजिटिव ही अपने विचार रखे, जयकारा लगाया। जी, तो हाँ, इस चीज को हम अगर कहते हैं तो लोगों को बुरा लगता है। हम कहते हैं भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, नदी में रहकर मगर से बैर नहीं किया जाता। कट सकते हैं। 2017 में बीजेपी आई है, उसके पहले सपा थी। जी, 2017 के पहले का कोई भी हमारा पोस्ट देखेंगे वहां पर अखिलेश जी के लिए हमने नेगेटिव कभी नहीं लिखा। जी, उस वक्त घटित हो रही थी तो उस वक्त जो चीजें थी सत्ता पक्ष को ध्यान में रख करके हम लिखते थे। अभी जो वर्तमान में सत्ता पक्ष में है, हम उसको ध्यान में रख करके वो क्या कर रहे हैं, उनकी प्लानिंग क्या है, हम वो बातें करते हैं लिखते हैं। लेकिन आज के टाइम में अखिलेश नहीं है सत्ता में, बाहर है, विपक्ष में है, तो वो जो गलत किए हैं आज हम उनकी गलतियों को भी बोलते रहते हैं, लेकिन उस वक्त हम नहीं लिखते थे। क्यों सर? जब तक गलतियों को एहसास न कराया जाए और सही को सामने न रखा जाए, कैसे मतलब ये जानकारी होगी कि नहीं क्या सही था क्या गलत है, क्या सही हो रहा है? गलत या सही का फैसला तब किया जा सकता है जब समय निकल गया हो, यानी कि जब अखिलेश जी थे कुर्सी पर, हम लोगों का मैटर कोर्ट में चल रहा था, तब तक हमने उनके बारे में कुछ गलत नहीं लिखा। जब वो चले गए, अब उनके हाथ में तो रहा नहीं, अपने रहते उन्होंने किया नहीं, तो हम उनकी बुराई करते हैं। योगी जी हैं, अभी कुर्सी पर हैं, जो उनकी योजनाएं हैं हमारी जानकारी में है, बता रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि वो योजनाएं नहीं होती और ये चले गए सत्ता से बाहर हो गए, तो इनकी भी बुराई होगी। नहीं सर, ये बुराई नहीं होती है सर, वो समालोचना होता। हाँ, वही उसको अब अपने अपने तरीके से लोग लेते हैं, इसको समीक्षा कह सकते हैं, समालोचना कह सकते हैं। खैर, तो कुल मिलाकर के जब तक व्यक्ति कुर्सी पर है, वो जो प्लानिंग कर रहा है, वो जो कह रहा है, उसकी बातों को मानना पड़ेगा। जब मानना चाहिए और अक्षरशः मानना चाहिए। हाँ, तो अभी इनका दूसरा कार्यकाल है, पिछले जो कार्यकाल में 5 साल में इन्होंने जो जो काम किए हैं स्कूलों में, आप लोगों ने परिवर्तन खुद देखा है और देख रहे हैं। जी, पूरा देखा है। तो पिछला 5 साल हम ये मान करके चल रहे हैं कि इन्होंने पूरा जो है कायाकल्प पर ध्यान दिया, व्यवस्थाएं सुदृढ़ की इन्होंने। हाँ, आरटी एक्ट में सारी बातें लिखी हैं, तो उसमें एक पार्ट है मूलभूत सुविधाएं, तो मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान रहा। जी, अब इस कार्यकाल में मूलभूत सुविधाएं लगभग हो चुकी हैं, उसके लिए बजट तय हो चुका है, हर साल उतना बजट जा रहा है। जी, अब जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है समय के साथ, तो अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं और नई नई चीजें कर रहे हैं। जी, आपने देखा होगा कि ये 2022 के चुनाव के बाद जब आए हैं, जी, कुछ तो नया आपको लगा होगा कि विद्यालयों में कुछ अलग से बजट आया है, कुछ नया हुआ है। हाँ, जैसे जहाँ कमरा नहीं थे, कमरा बन रहा है, तो जहाँ टाइल्स, पंखे, समरसेबल, मतलब किचन सेट, मतलब जो भी व्यवस्थाएं पेंडिंग थी, छूट गई थी, वहाँ वो पूरा होने लगा। अच्छा, तो अच्छा, 50,000 कंपोजिट सर आता है ना? हाँ,
इसमें हर साल व्यवस्थाओं को मेंटेन करने के लिए आता है। बिल्कुल, जो व्यवस्था पहले से चल रही है वो मेंटेन, हाँ, उस मेंटेन रहे, उसमें जो आवश्यकता समझिए उसको सुधार करिए और सुविधा बढ़े। तो जैसे जैसे व्यवस्था में, अभी देखिए ये चीजें थी ही नहीं, बिजली थी ही नहीं, पानी जी व्यवस्था थी ही नहीं, जी फर्नीचर या फर्श वगैरह, दीवारें, बिल्डिंग, बाउंड्री जो भी है वो हाँ, अभी तक थी ही नहीं, मानक या सुविधा के अनुसार नहीं था। नहीं थे। और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये एक बार अगर हो गया व्यवस्था, तो कुछ दिन तो चलेगा ही। अब जो बाउंड्री बन गई है, अब बाउंड्री हर साल तो बनेगी नहीं, बाउंड्री एक बार बन गई तो आने वाले 10 साल 20 साल के लिए बाउंड्री हो गई, जी जी थोड़ी बहुत टूट फूट होगी कभी कहीं तो उसका फिर से जो है रिपेयरिंग होगा। तो अब बड़ा खर्चा बार बार ये नहीं होना, फर्नीचर दे दिया गया, फर्नीचर हर साल नहीं देना है, जी एक बार दे उसकी दिया, लाइफ भी होती है। हाँ उसकी लाइफ है, अगर 10 साल भी चल रहा है वो 10 साल तो फर्नीचर नहीं देना है, दोबारा वो खर्च नहीं आना है, तो उन चीजों पर खर्च किया जा रहा है जो मूलभूत सुविधाएं होनी ही चाहिए। अगर विद्यालय में समर्सिबल लगा दिया या पानी की व्यवस्था कर दी, टंकी लगा दिया, जैसे भी कर दिया, वो व्यवस्था हो गया, अब वो 5 साल 10 साल के लिए छुट्टी हो गया, तो पिछले 5 सालों में इस पर विशेष ध्यान था, और जो कोर्ट कचहरी में चीजें थी उनको हैंडल कर रहे थे। खैर वो कोर्ट कचहरी में सर केवल उलझाया गया, समय को बिताया गया और उन्हें परेशान हुई सरकार नहीं ये लोग। कैंडिडेट, देखिए कोर्ट से किसी को हासिल हम हमेशा कहते हैं, लोगों को बुरा लग जाता है। अच्छा सर सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, न्यायपालिका व्यवस्थापकीय कार्यपालिका, इसको नियुक्ति या कार्य योजना या फिर व्यवस्था कौन करता है? अध्यक्ष। यही तो लोगों को समझ में नहीं अच्छा आता है। उसके बाद अगर वहां इंगित करेंगे कि ये चीज देखिए इसको इतने कहना है, रास्ता तो अपने आप बना लेंगे। जब इतना इनको समझ नहीं है तो केवल कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ा के मोटी रकम वसूलना। बिल्कुल, अभी हमने कल या परसों कोई ऑडियो डाला था, उसमें जी याची लाभ के बारे में हमने जो है बोला था कि भाई याची लाभ कुछ नहीं होता है, जी जो व्यक्ति कॉल किया होगा उसको हमने समझाया होगा, तो उस पर कमेंट आ रहे थे। अरे सर सीधी सी बात है कि अगर कोर्ट से एक भी नियम लागू होगा पहले सरकार के पास जाएगा, सरकार जब उसको लागू करेगी तो उसके दायरे में जो विभाग जो कैंडिडेट आएंगे सबको लाभान्वित होना पड़ेगा। एग्जैक्टली, कोर्ट से कोई भी ऑर्डर होता है तो फिर उसके आधार पर अन्य लोग भी आते हैं डिमांड सब करने। उसके दायरे में जो आ जाएंगे वो आएंगे और या जो और रहते हैं उस देश पे सरकार चाहेगी तो उनको भी ले लेगी। तो कहने का मतलब जब सर्वे ऑल इन ऑल सर्वे सर्वा, तब कह रहे इधर चारों तरफ भटकने से अध्यक्ष सीधा शरण क्यों नहीं है? हम लोग सर बीच में प्लान बनाए थे, हम आम लोग आम शिक्षा मित्र 10-5 कि हम लोग चलेंगे स्वयं, समय लिया जाएगा एक दिन विनती स्वरूप चाहे गोरखपुर चाहे यहाँ चल के क्षमा निवेदन। हम कह रहे हैं मनुष्य का हृदय है, बाबा बहुत बड़े संत भी हैं आज वो राजा भी हैं, क्यों दिल नहीं, पत्थर पिघल जाता है दिल क्यों नहीं पिघलेगा? इन लोगों के चक्कर में आम शिक्षा मित्र जैसे तमाम हम लोग हैं, हम लोग पिस रहे हैं, हमारे लोग बच्चों की भविष्य खराब हो रही है, हम लोग जो है दवा के सहारे अपने जीवन को चला रहे हैं। आपकी सारी बातें सही हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, जैसे भगवान हैं वो ये नहीं कहते कि तुम हमें फूल चढ़ाओगे, हमारी पूजा करोगे, जी नहीं जी वो ही नहीं, हम तुम्हें देंगे, जो वो आपकी नहीं, इच्छा। आप अगर नहीं भी करते हैं तो भी भगवान जो है आपको सब कुछ दे रहे हैं, चल रहा अच्छा है सब फूल कुछ ऐसे ही। फूल फूल सर फूल हुआ, पूजा हुआ, दर्शन हुआ, ये एक बाहरी चीज है, ये अपने लिए हर व्यक्ति को केवल होता है। दिमाग में उन देवी देवताओं या भाव लेकर के आप समर्पित होइए। बकिया कर्म, अगर मन में कर्म है और साथ धर्म जुड़ा है, धर्म मतलब अनैतिक ना हो, तो इसका रिजल्ट भविष्य में अच्छा जरूर आता क्योंकि आप जब फूल चढ़ाते हैं या पूजा प्रार्थना करते हैं तो आप पॉजिटिव सोच रखते हैं, और है। जो व्यक्ति जी पॉजिटिव सोच रखता है और अपना काम करता रहता है तो रिजल्ट भी पॉजिटिव ही मिलता है। जी पक्का आता है। खैर ये पॉइंट जैसे था। सर हर कर्म का रिजल्ट मिलता है थोड़ी देर के लिए, जैसे हम भोजन करते हैं क्षुधा शांत होती है, शरीर में ऊर्जा मिलती है, स्वस्थ होता है, तम पोषक तत्व मिलते हैं। इसलिए जैसे मान लीजिए फसल की आयु ले लीजिए,
आज बोया गया, भराई हुई, उसके बाद खाद पड़ा, तैयार हुआ, 6 महीने में कट गया। इसकी मियाद 6 महीने है। तब मनुष्य के आयु जो है मिनिमम मैक्सिमम 100 साल मानी गई है, लेकिन जो जिस जितना लाइफ सस्ता जी जाए। तो कहने का मतलब है कि एक स्टेज होता है कि बालपन जो कर्म किया जाता है, वैसी शिक्षा दीक्षा के बाद वो बिजनेस नौकरी वो उस काबिल हो जाता है। उस पद पाने के बाद जैसा कर्म करता है अगले आने वाले पूर्ण होने तक उसका रिजल्ट मिल जाता है। मतलब इतना लंबा मनुष्य की आयु के अनुसार लंबा रिजल्ट होता है। जब हम अच्छे कर्मों का रिजल्ट में आशा रखते हैं हमको मिलेगा, तो बुरा कर्म कहेंगे अरे हम नहीं लेंगे, हमारे पास मत भेजिए, हम बुरा कर्म का रिजल्ट नहीं लेंगे। वो तो जबरदस्ती परमात्मा जैसे उसको दिए उसको थोप देगा, इसको लीजिए और झेलिए। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा तुम तो अच्छा, गप तो कड़ुआ कड़ुआ थू नहीं, वो भी हजम। तो कहने का मतलब सर यह है कि जिस पद पे जहां भी छोटा बड़ा काम कोई कुछ नहीं होता, जिस पद को धारण करिए, उस पद पे पहुंचने के बाद आपकी एक कर्तव्य निष्ठा बन जानी चाहिए हर प्रति। आजकल सर लोग टीचर हो रहे हैं, मास्टर कोई नहीं हो रहा। मास्टर का मतलब होता ऑलराउंडर, मतलब जहां जिस जगह उसको लगा दीजिए उस कार्य में उसका प्रतिभा, उसका अनुभव, उसका कार्यशैली और झलकना शुरू कर दे। लेकिन समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि अगर कोई हिंदी का शिक्षक है तो उससे पूछ लीजिए, हिंदी हिंदी नहीं आती है। कोई अगर मैथ का शिक्षक है, पूछिए तो मैथ नहीं नहीं आता आ सर, रहा। तो नहीं आता है सर। ऑलराउंडर की बात कहाँ से की जाए, उनको वही आ जाए बड़ी बात है। अच्छा सर, ऑलराउंडर विषयों को पढ़ के लोग थोड़ा होते हैं, लेकिन जो कार्य किया जाता है, कार्य के बाद परिणाम प्राप्त होता है, वो अनुभव बन जाता है। हाँ अनुभव जब बन जाए तो प्रैक्टिकली प्रमाण है, हाँ उससे बड़ा प्रमाण कहीं मिलेगा नहीं। ये कुछ अपने द्वारा हासिल होता है, कुछ सत्संग मतलब सही व्यक्ति की संगत में होता है, जिसको हाँ कहते हैं सत्संग। तो कहने का मतलब है अगर आपके अंदर जिज्ञासा है, झलक है, ललक है, तो आप सीखने की प्रेरणा रखेंगे। जो कि हमारे महोदय निदेशक महोदय इसलिए शिक्षक को ट्रेनिंग टेंड कर रहे हैं, इसीलिए कि सोए हुए को जगा दीजिए, जो भूल गए उसको जानकारी हो जाए। अब कहाँ से किस लेवल के क्लास के बच्चे हैं, कहाँ से उनको शुरू करना है। लेकिन जो कार्यरत शिक्षक हैं, चाहे वो अनुदेशक हों, चाहे सहायक अध्यापक हों, या चाहे शिक्षा मित्र हों, उनके पोस्ट पढ़िए, कमेंट पढ़िए, उनको ट्रेनिंग से भी समस्या है। अरे सर हम सुनते हैं, बहुत खेद व्यक्त करते हैं, खेद तो हम इसलिए करते हैं उसमें हमारे आपको ट्रेंड फ्री में किया जा रहा है। और हम आप अगर परमात्मा कृपा से उस सारे जानकारी को ग्रहण कर लिए 50%, अगर उसको 30% उतार दिए अपने जीवन में, मतलब बच्चों के साथ। सर बात यह है कि कितना आप पढ़े लिखे बुद्धिमान है इसका माने नहीं रखता, कितनी देर आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं भी माने नहीं रखता, और कितना आप पढ़ा दिए भी माने नहीं रखता। माने ये रखता है आपने जो दिया वो बच्चे कितना ग्रहण किए, एग्जैक्टली रिजल्ट। एग्जैक्टली रिजल्ट, यानी कि वो कितने परसेंट बच्चे उसको ग्रहण किए। अच्छा तरीका, जब आप एकदम छोटे पॉइंट से उठाएंगे और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, साथ में अभ्यास की प्रक्रिया होगी, चावल की तरह मटके में टटोलने की प्रक्रिया होगी। तो अब ये नहीं कह सकते आईक्यू के अनुसार बच्चे जो थोड़ा सा अच्छा मतलब वो भी सीखेंगे, लेकिन बिल्कुल उनका लेवल सेकेंड फर्स्ट क्लास से थोड़ा कम होगा। अच्छा इसमें क्या है, आप 6 घंटे विद्यालय पहुंच रहे हैं, समय देना है, देना है, तो इस समय निपुण लक्ष्य चल रहा है। तो एक स्टेप जो कल आप उठाए थे, अभ्यास कराए थे, आज उसी से रिलेटेड पिछला एडवर्टाइज, वर्तमान में एक पॉइंट, अगले दिन के लिए कार्ययोजना, मतलब बच्चों के लिए बता रहे हैं कि आपके दिमाग में हर कक्षा की योजना अपने आप होनी चाहिए। लेसन प्लान तो भाई ठीक ही लेकिन लेकिन शिक्षक जो है वो जब जा रहा है क्लास में, हाँ कल क्या पढ़ाया था, ये लाओ किताब, आज का फिर उसने पढ़ा दिया, निकल रहा है।
मतलब वो बिना प्लान किए हुए जाते हैं, ये बहुत गलत चीज है सर। बच्चे संसक्तित हो जाते हैं, मैंने अनुभव किया है। उनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई लेसन प्लान नहीं है, भले लिखने को फॉर्मेलिटी कर दिए हैं लेकिन वो सीरियसली नहीं है उसको ले रहे हैं। अरे सर उसमें देखिए, कहानी से, पिक्चर से, गीत से, भाषण से, पेपर से, ऐसा स्टेप खोलिए बच्चे हाँ हाँ करते, उनके घर से वस्तुएं से जब आखिर में आते हैं उसके जोड़ दीजिए, अंत में दो एक टॉपिक दे दीजिए। इतना सिस्टम से चलते हैं कि जान लीजिए वो। अच्छा बच्चे इतने संवेदनशील और जागरूक होते हैं क्योंकि बिल्कुल उनकी सीखने की प्रवृत्ति बहुत चरम पे बहुत होती है, बिल्कुल। इसलिए आपकी हर गतिविधि को ध्यान देते हैं। अरे यहाँ तक वो ध्यान देते हैं कि मास्टर जी कल वाला ही शर्ट पहन के आज फिर आ गए हैं, जी, इतना छोटा छोटा बारीकी से ध्यान देते हैं और बच्चे। मास्टर की बसरा भूसड़ की स्टाइल कैसी है, हाँ सेविंग या नहा, मतलब एक ऐसा है खान पान, क्या क्या बात कर रहे हैं, कैसी शैली है, आ रहे हैं जा रहे हैं, कितने समय आ रहे हैं कितने समय जा रहे हैं, किस क्लास में क्या कर रहे हैं, बच्चे कितना महत्व दे रहे हैं, बच्चों का इंटेंशन ये नहीं है कि मास्टर जी को जो है किसी नोट करके कुछ बुराई निकाले, वो हर कुछ चीज देख रहे हैं और हर बस चीज कहीं वो नोटिस कर रहा है, चाहे वो मास्टर जी हो, चाहे घर में हो अपने, चाहे साथ भी में पढ़ने वाले बच्चे हों, हर किसी को नोटिस कर रहे हैं। रास्ते तक की बात है, जीव हाँ जंतुओं की बात है, पेड़ पौधों की बात है। हर चीज नोटिस कर रहे हैं वो। कहने के मतलब सर, सरकार का प्लान है हम आपको रोजगार, दूसरी चीज, गुरु का दर्जा इतना बड़ा होता है, उसके पहले तो कुछ नहीं मिलता था, जैसे आज सुनते हैं इतिहासों में पढ़ते हैं, लेकिन आज के दौर में इसलिए सरकार ने बाधा कि भाई आर्थिक युग है, खान पान रहन सहन वेशभूषा चलाने के लिए अर्थ की जरूरत पड़ेगी, और अब जब ये सुविधा हो गई, जब आपका सारा काम इसके चलने लगा, तो आप और मन चित से देना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा प्राइमरी में गरीब तबके, हाँ हमारे आप जैसे साधारण बोलचाल की भाषा, इसे बीच में सर एक चीज कहना चाहेंगे, या थोड़ा सा अगर हमारी सोच गलत होगी तो क्षमा करिएगा, जैसे बीएड या वे क्या नाम है इंजीनियरिंग, इस सब टेक्निकल कोर्स करने वाले जब बीएड करके आते हैं प्राइमरी में, तो हायर लेवल एजुकेशन ये उच्च शिक्षा के लिए उपयुक्त उपयुक्त सा महसूस होता है। कैसे कि हमारे गांव के गरीब तबके के खान पान कम के और रहन सहन बोली भाषा एकदम सामान्य सी, जो बच्चे आते हैं जब खड़ी हिंदी और लाक्षणिक हिंदी बात करेंगे, हमारे बच्चे से मुंह बात बाक लगते हैं, इधर से जाती बात इधर निकल जाती, बचता क्या है वही अभ्यास। तो जो जो आया ठीक है, नहीं अभी ठीक है, लेकिन जो सरकार की नीति है, नई शिक्षा नीति, मातृभाषा 5 तक बच्चा जिस प्रवेश में आ रहा है उसी भाषा में उससे बात की जाए, उसी में उसको बताया जाए, बाद में संशोधन किया जाए शुद्ध और खड़ी हिंदी में, बिल्कुल, उनको लोकल लैंग्वेज वहां की जो क्षेत्रीय हाँ भाषा है उस। समझने के लिए उनको उसमें, आप घुलिए उनको, मत घोलिए, आप घुलिए तो अपने आप घुल जाएंगे, तो केवल उनको रास्ता दे दीजिए। तो ये अगर हमारा ये विचार जो है ठीक है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसमें कुछ संशोधन नहीं हो नहीं सकता है, बिल्कुल बताइए। बिल्कुल सही है, और यही चीज लिखा हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, और यही जो है त्रिभाषा सूत्र दिया भी गया है। अच्छा सर हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, जो बुद्धिजीवी अधिकारी थे, जो बुद्धिजीवी पढ़ेता थे, उनको कद्र किया। अब कद्र करने के बाद जो विचार विमर्श बैठक में शोध निकला वो काबिले तारीफ है, कि अगर वो लागू हो गया, लोग पटल पे दर्शा दिए और प्रयोग करने लगे, तो परिणाम भी बहुत भयंकर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और उसी तरफ बढ़ रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो जो लिखा हुआ है जी वो आप जब पढ़ेंगे तो जो आप कह रहे हैं वो सारी चीजें उसमें ऑलरेडी लिखी हुई हैं, वो सब शुरू हो चुका है और उसी तरफ बढ़ रहे हैं, और वो जब लागू हो जाएगा, अभी तो शुरुआत हुआ है, पूरी जी तरह से जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा अभी आने वाले 2-4 सालों में, आप देखेंगे इतना भयंकर परिवर्तन होगा, जी जी लोग कल्पना भी नहीं किए होंगे, और परिवर्तन हुआ है आप खुद देख रहे हैं अभी तक। देखिए देखिए सर, हम तो है कर्मचारी जिसकी सरकार उसके नौकर, कहने के मतलब है
कभी किसी की बातें नहीं, समालोचना। अच्छा है तो अच्छा है, बिल्कुल जो चीज अच्छा है उसे अच्छा और बताएंगे। कुछ कम है तो उसमें संशोधन हो, ना? पक्षकारी नहीं। हुँ. पक्षकारी तो भक्त लोग करते हैं। हुँ. भक्त ठीक है, भक्त बनने के बाद तभी विश्वास होता है, विश्वास बाद तो सीखा जाता है। हुँ. लेकिन ऐसा अंध भक्त ना हो। बिल्कुल, जैसे हम कहते हैं कि जो शिक्षा में समायोजन हुआ था जी, कार्य अच्छा हुआ था, लेकिन जो तरीका था वो गलत था, वो गलत था, अहितकारी था। हाँ, तो शिक्षा में समायोजन को हम कभी गलत नहीं कहते हैं, वो मित्रों के हित में किया गया था, वो एक अच्छा काम था, लेकिन करने का जो तरीका था, जिस वे में किया गया, वो गलत था, और उसकी वजह से जो उनका एम था वो भी गलत हो गया। गलत हुआ ही, और अंत में सबसे ज्यादा तो भाई शिक्षा मित्र का गलत इसलिए हुआ कि जैसे एक बार आप पहाड़ पे चढ़ा दीजिए मालिक कोनो तरीके से, अगर उनके चढ़ने की शक्ति नहीं है, चढ़ने का तरीका नहीं है, तो बताइए वो गिरने के बाद बेचारे कुशल से बचेंगे? बिल्कुल, तकलीफ तो होगी। अगर कोई व्यक्ति रोज 100 रुपए कमा रहा है, वो ठेला लगा रहा है, रिक्शा चला रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो उसमें अपनी लाइफ जी रहा है, संतुष्ट है, संतुष्ट है। लेकिन अब उसको उठा करके एक दिन महल में बैठा दीजिए और कुछ दिन महल की सुविधा दे करके अब फिर कहिए कि जाओ तुम वापस रिक्शा चलाओ, उसे तकलीफ होगी। बहुत तकलीफ होगी और फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो जो शिक्षा मित्र थे उनको जब 30,000 मिलने लगा तो बहुत सारे लोग तो जो है लोन ले लिए, बच्चों को जी जी डाल दिए, न जाने क्या क्या खर्चे बढ़ा लिए। जी अब जब समायोजन रद्द हुआ, पेमेंट कम हो गया, तो वही जो उनको उस वक्त अच्छा लग रहा था, वो जो काम किए थे, वही तकलीफ देने लगा। जी जी बहुत अरे सारे सर, तो जिस जिस समय समय जिस समय समायोजन रद्द हुआ था, स्थितियां सामान्य थी, मुख्यमंत्री महोदय मत सुनने के तैयार थे, सुन रहे थे, मंथन भी कर रहे थे, सचिव महोदय थे श्री राजताप सिंह जी, वो भी कई बार वार्ता किए, तो उन्होंने एक अच्छा खासा जीवन जीने के लिए मानदेय के बारे में बात कही। इसी में से इतना नेता का भूत सवार था, बताइए अधिकारी सचिव प्लस अध्यक्ष फाइल अगर कोई फेंक देगा तो उसका काम जिंदगी में होगा? है, आप किसी को थप्पड़ मारेंगे तो फिर वो आपका सुनेगा क्यों? अच्छा, सक्षम है, दूसरे नंबर सक्षम है तो क्यों सुनेंगे? इसलिए हम तो यही लास्ट में कहे कि भाई इन लोगों ने जो कुछ गलत हुआ था वो जान लीजिए समझ में रद्द हुआ, सही हुआ, सही होने के लिए हुआ, लेकिन इन लोगों ने बीच में ऐसा कर करके इतना दिन जो है झेला दिया सबको। तो फाइल किसने फेंका था? ये कोई नेता थे, 4-5 लोग थे साई गुट के। अच्छा, उसमें महिला कोई थी, अच्छा, नाम नहीं लेना चाहेंगे। असल में था क्या कि जब व्यक्ति के पास अपनी पावर होती है तब तो ठीक है, जी, जब वो उसके ऊपर किसी का हाथ होता है तो वो उड़ने लगता है। जी, जितने नेता थे उनके ऊपर किसी न किसी का हाथ था, वो बहुत सवार था उनको, और उसी में जो है ये लोग बड़बोलापन कह लें या जो भी कह लें, मन बढ़ू हो गए थे और कर गए ये सब उल्टे सीधे। हम तो सर शुरू से कह रहे थे, शुरू से कि नेता जो जो कहेंगे, जितनी बार जो जो बुलाएंगे, जितनी नेता हो, ये एक काम नहीं होगा। देख जान दीजिए भाई, नेता है कौन? जैसे एक सामान्य शिक्षा मित्र है, वो भी तो सामान्य शिक्षा मित्र ही हैं, बस ये है कि आप लोगों ने उनको या कुछ लोगों ने उनको मान लिया है कि हमारे नेता है, तो वो नेता कहे जाने लगे, बस फर्क इतना है। नेता हमारी तरफ से बात रखेंगे बस, और कुछ नहीं है, और किस बात की नेता? तो भाई जैसे मान लीजिए कि बात रखनी है, बात रखने के लिए वहां तक कोई व्यक्ति जाए और वो चीज उन तक पहुंचाए, उसके माध्यम कोई जरूरी थोड़ा व्यक्ति वहां जाएगा तो ही। जी जी, ये तो आप जो है एक लेटर लिख करके भेज देंगे, एक आम शिक्षा मित्र भी भेजेगा तो भी बात वहां तक पहुंच जाएगी। हम कह रहे हैं आम शिक्षा मित्र भारत प्रदेश भारत का नागरिक है, अगर 1 दिन 2 दिन 10 दिन 5 महीने लगा रहेगा तो 1 दिन अनुमति मिलेगी मिलने के लिए। तो ये इनका सिस्टम जो था, गए फोटो खिंचा लिए, पकड़ा दिए। अच्छा, जब आप विष बो दिए या
जो भी स्थितियां विकट बनी है वो धीरे धीरे शांत होंगी। और ये लोग शांत भी नहीं कर पाएंगे सर, ये जितने नेता हैं किसी भी गुट के हों, कितना वो, इनके जाने के बाद काम और डिले बिगड़ेगा। आप देख लीजिए ना कि 17 में जजमेंट आया और आज हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ ये नेता आज कहाँ हैं, क्या कर पा रहे हैं, क्या कर पाए। नहीं किए, इतना ही मलाई काट करके फोर व्हीलर मकान व्यवस्था। भाई आप जो है, चाहे गाजी मामाला हो, चाहे शाही हो, चाहे अन्य कोई भी हो, सर तारीख किसी को नोट है कर लें, शुरू में जो उनके आसपास लोग रहते रहे होंगे उनको तो पता होगा ना कि इनका परिस्थिति स्थिति कैसा है, कितनी जमीन जायदाद है। पूरा पूरा सर। तो शुरुआत में देख लीजिए वो कैसे थे और आज कितनी जमीन जायदाद रखे हुए हैं। जी, खैर, परिणाम तो उसका भुगतना पड़ता है, शाही जी भुगत रहे हैं। वो तो वाह है सबकी। तो जी कोई भी लेगा तो परिणाम तो उसका जो बुरा होगा, वो तो सर अच्छा करेगा तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेगा बुरे, तो परमात्मा का नियम है, जो बिल्कुल जैसा करेगा उसको भरना भी पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, जी खैर ये तो ये बातें हो गई। कुल जी मिला करके जो आगे होने जा रहा है उस पर फोकस किया जाए, जो पॉजिटिव चीजें हो हाँ रही हैं, हो जी चुकी हैं। जो हो चुकी है सर, अब क्या होने जा रहा है, ये थोड़ा सा जो उत्साह है देश में थोड़ा सा और साहस बढ़ जाए, क्योंकि आपके पास भाई जानकारी जो लिंक है या वहां से आप कलेक्शन करने की रुचि रखते हैं, करते भी हैं और बताते हैं, इसलिए बहुत सारे शिक्षण आपकी बातें सुन करके ये लोग अपने आप को धैर्यशाली बन रहे हैं, बेचारे दिल दिलासा बन रही है। भाई मार्केट में जाएंगे हम, मान लीजिए गए हैं सब्जी खरीदने, तो जी ऐसा तो है नहीं मार्केट में सिर्फ सब्जी मिलता, और भी चीजें दिखेंगी हमें। तो जी जब मार्केट से आएंगे कोई चीज अगर हमें दिखी है और कोई इसके बारे में जानकारी चाहता है तो हम बता हाँ सकते हैं। एग्जैक्टली जी, तो बता ऐसे सकते ही, हैं। हम भी एक सामान्य व्यक्ति हैं, हम जो जी है कहीं ना कहीं नौकरी की इच्छा रखते हुए और परेशान थे, तो हमने अपने लिए जानकारी हासिल करना शुरू किया। अब धीरे धीरे रुच बन गई, अब आदत लगे हैं। हम जानकारी गए अपना हासिल करने, लेकिन विभाग वही है, सारा काम वही जी होता है, सारी चीजें जी वही चल रही हैं, तो और भी सारी जानकारी हुई हमें। तो बस वही जानकारी जो हमें मिलती है, जो हमारे जानकारी में आता है, जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो चीजें हम शेयर कर दे रहे हैं। अब जी जिसको मेरी बात से समझ में आता हो तो अच्छी बात, नहीं आता हो तो भी। ऐसा है सर, आपकी बात समझने के लिए त्रिकालदर्शी होना चाहिए, जैसे मैंने शब्द कहा वो प्राचीन चला जाएगा, लोग समझेंगे नहीं, उल्टा मानेंगे, मैले यानी कि अतीत का ज्ञान हो और वर्तमान में क्या चल रहा है उसका उपयोग, जब ये पिछले की इतिहास मालूम है आज उसको जानकारी रख रहे जोड़ रहे हैं उससे उससे, तो भविष्य अपने आप दिखाई देगा होने क्या वाला है। बिल्कुल, जो भी अच्छे जो ज्योतिष होते हैं, आजकल जी तो बहुत सारे जो फेक आ गए हैं फालतू में पैसा कमाने के चक्कर में, जो वास्तविक ज्ञान रखते हैं तो वो कोई अलग से अजूबा नहीं बताते हैं, वो जो एक ज्ञान है, विज्ञान है, उसका प्रयोग करके अतीत को देखते हुए, वर्तमान को देखते हुए ही भविष्य की जो है जी बात जिसे करते हैं। 10 जना 100 जगह प्रयोग किए, उसके बाद उनका लहजा और बढ़ जाता है, तब फटाफट भविष्यवाणी करने लगते हैं। हैं बहुत सारे लोग फालतू आ गए हैं, वो मन बढ़ू है, थोड़ा सा ज्ञान है, अधजल गगरी, वो बस बोलते रहते हैं, हम उनकी बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। वास्तविक जो हैं ज्ञानी, तो वो लोग जो भविष्य बताते हैं, और वो सत्य भी होता है क्योंकि उनके पास ज्ञान है, पीछे का भी जानते हैं, वर्तमान का भी जानते हैं। तो यही सर इसी नाते समझ में नहीं आता है कि जब पीछे नॉलेज नहीं है, शिक्षा नियुक्ति हुई थी, क्या नियमावली थी, माननीय मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी थे, श्री रविन्द्र शुक्ला सचिव जी थे, उन्हें संविदा पे नियुक्ति की, क्या अनुबंध हुआ, किस तरह से रिन्यूअल होता था, किस समिति ने इनको नियुक्ति दी, भविष्य में क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, ये तो हमारी आपकी निवेदन है, सरकार की सिंपैथी, जो भी संशोधन करती चली जाए चाहे जो रहे हो। संक्षेप में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जी सर, हाँ जी सर्व शिक्षा अभियान, जी स्कूल स्कूल चले हम, टन 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 टीवी पर खूब बजता था, जी ये सबसे तो सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया। उसके पीछे उद्देश्य था कि गांव गांव में जो है हर 5 किलोमीटर पर स्कूल कर दिया जाए, फिर जी बाद में उसमें परिवर्तन भी किया गया, शायद 3 किलोमीटर कर दिया गया। तो पहला तो था कि स्कूल खुल जाए, लेकिन जब हर 5 किलोमीटर पर या हर 3 किलोमीटर खोलना है इतने बड़े पैमाने पर, जी तो लाखों की संख्या में स्कूल खोलने के लिए बजट भी अच्छा चाहिए। तो शुरुआत हुआ एक कमरे से, जी
एक कमरे से धीरे धीरे व्यवस्था बढ़ने लगी। टीचर की जी जरूरत हुई तो वहां पर ये हुआ कि भाई परमानेंट के लिए इतना अभी बजट नहीं है, अभी जी शुरुआत है, चलिए जो गांव में ही इंटर पास लोग हैं, जो मेधावी हैं उनमें सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर लाने वाले, हाँ तो उनसे चयन जो कर है हाँ कार्य शुरू किया जाए, व्यवस्था शुरू की जाए। तो वो संविदा पर अपना रखने की योजना लेकर आए, काम चलने लगा। लेकिन वो वहीं तक नहीं सीमित था, उसको आगे और बढ़ाना था। लेकिन जो ये सोच लेकर के आया था, जिसने ये काम शुरू किया, वो हो गए सत्ता से बाहर, दूसरी पार्टी आ गई, केंद्र में आ गई कांग्रेस, राज्यों में कभी सपा रही, कभी बसपा रही, फिर से सपा आई। इन लोगों ने इससे आगे सोचा ही नहीं, बस जो चल रहा था जैसे चल रहा था वैसे ही, न बच्चों के बारे में सोचा, न स्कूल के बारे में सोचा, न वहां पर पढ़ाने वाले जो भी संविदा कर्मी थे उनके बारे में सोचा। बच्चे वही खाकी में जो है चपरासी की तरह घूम रहे हैं, ड्रेस के बारे में तक नहीं सोचना उनके, उनकी भी कंडीशन वैसे ही, स्कूल आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं कोई उस पर कंट्रोल नहीं है, विद्यालय में कमरे और बनेंगे नहीं बनेंगे, वहाँ और व्यवस्था होगी कि नहीं होगी, कोई विशेष परिवर्तन नहीं, जैसे चल रहा था बस फॉर्मेलिटी। साथ ही संविदा से शुरुआत हुई थी, तो संविदा के स्थान पर परमानेंट शिक्षक के लिए 2009 में आरटीई एक्ट आ गया, तो उसके लिए भी सोचना चाहिए था, वो भी नहीं सोचे, यानी कि पिछली सरकारों ने कहीं कुछ सोचा ही नहीं खास तौर पे। जी सर और जी अभी 6-7 साल से आप देख रहे हैं, जब से ये सरकार आई है, कितना परिवर्तन, बच्चों के लिए भी सोच रहे हैं, उनको जी यूनिफॉर्म देखे बदल गया, कितने अच्छे लगते हैं अब। हाँ इसके बाद जो है, जो अन्य व्यवस्थाएं चल रही थी, मिड डे मील या अन्य जो कुछ भी बच्चों के लिए, उसमें भी हमें लगता है कि पहले से तो थोड़ी व्यवस्था अच्छी हुई होगी। जी बनारस में तो हाँ अक्षय पात्र की व्यवस्था चला करके एक जगह खाना बन रहा है, मशीनें लगा दी गई हैं बड़े पैमाने पर, वहां से गाड़ियों से खाना जा रहा है, इस तरह की व्यवस्थाएं वो की बहुत जा रही बढ़िया होता है। अच्छे क्वालिटी का भोजन बना करके टाइम पर खाना पहुंचाया जा हम रहा है। तो चाहते अभी हैं कि हर हर ब्लॉक में ये बने तभी और बढ़िया होता। करेंगे करेंगे, क्लस्टर बना रहे हैं, कंपोजिट विद्यालय बना रहे हैं, अभी शुरुआत है, धीरे धीरे करेंगे, व्यवस्था बना रहे हैं। अभी नितिन गडकरी जी ने क्या कहा है कि जितने भी स्टेट हाईवे हैं या फिर जो है अन्य जो रोड हैं, सबको जो है डबल करेंगे, यानी अगर वो जो है 2 लेन का है तो उसको 4 लेन करेंगे, अगर सिंगल लेन है तो उसको डबल लेन करेंगे। तो व्यवस्था, अगर गाड़ी से हर जगह हर चीज पहुँचाना है तो उस तरह के रोड भी चाहिए। हाँ, उसको देना पड़ेगा। तो हाईवे के बाद गडकरी जी बढ़ गए हैं, अब स्टेट हाईवे पर गाँव की तरफ बढ़ रहे हैं। अब तो हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। अब जो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए जो करना था वो तो कर ही रहे हैं, अब शिक्षकों की बारी है, विद्यालय के लिए भी कर दिए, जो व्यवस्था बनानी थी, बिजली पानी फर्नीचर वगैरह सब कर दिए। अब थर्ड स्टेज जो तीसरा हिस्सा है, वो तीसरा हिस्सा है शिक्षक, अब शिक्षक की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमने हमेशा कहा है, चाहे वो शिक्षा मित्र हो चाहे अनुदेशक हो, अगर उन्होंने किसी के लिए कुछ कहा है तो वो करेंगे, और क्यों भाई दुश्मन मानेंगे, चाहे योगी हो चाहे मोदी हो, दुश्मन क्यों मानेंगे, ये बताइए। एक अनुभवी काम करने वाला और एक जो है नौसिखिया, अगर घर पे कोई काम कराना है तो नौसिखिया को कौन बुलाना चाहता है, सब चाहता है अनुभवी आए अच्छा काम करे, तो वो भी तो यही चाहते हैं कि अच्छे शिक्षक आए अनुभवी आए, तो उसके लिए भी व्यवस्था बना रहे हैं, और उन्होंने रास्ते निकाले हैं, धीरे धीरे वो सब कर रहे हैं, चूंकि अभी हुआ नहीं है सब कुछ, अभी होने वाला है, इसलिए लोगों को अभी भरोसा नहीं है, जिस दिन हो जाएगा तो उस पर भरोसा होगा। अभी हमने अखबार में भरोसा पढ़ा, हाँ अखबार में हमने पढ़ा, शायद कोई गुजरात में अधिवेशन या कुछ होने जा रहा है कार्यक्रम। जी, 12 तारीख को बनारस तो में ही था, पेपर में क्या चीज, बनारस, बनारस में ही दैनिक जागरण था हाँ न्यूज आया है अखबार में, जी। तो शायद उत्तर प्रदेश से भी 500 लोग जा रहे हैं। हाँ, बनारस से ज्यादा अध्यापक हैं, बाकी प्रदेश अध्यक्ष हैं प्राथमिक शिक्षक संघ के, मंत्री हैं। तो ये जो हो रहा है, अचानक से ये सब चीजें नहीं हो रही हैं, ये प्लान है, पहले से उनका प्लान पहले से सब है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सारी चीजें होनी है। पिछले वर्ष उनकी योजना थी कमरे बनाने का, उस पर पैसे खर्च कर रहे थे, अब उनका हर कक्षा में शिक्षक देने वाली योजनाएं शुरू हो रही हैं, तो हर कक्षा में शिक्षक के अनुसार वो अब जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो हम तो हमेशा कहते हैं भाई, कोई भी राजनीतिक पार्टी होगी वो जब भी कोई चीज करेगी तो लाभ भी लेना चाहेगी, तो वो उसी तरफ बढ़ रहे हैं, ये काम करने जा रहे हैं, चुनाव भी सामने हैं, तो उसका जी लाभ भी लेने की योजना बना रहे होंगे कि किस तरह से जो है, तो जो संघ के अध्यक्ष वगैरह हैं, नेताजी लोग हैं, इनको बुलाएंगे, फिर बाद में जी दिखाएंगे भैया इन लोगों की बात हमने मान ली है, ताकि ये भी खुश रहें, करना तो है ही जी है। हाँ जी, सबको सबको मिला के सब खुश रहे।
हाँ, सबको बुला करके उनको भी थोड़ा सा अच्छा फील होगा। ये अध्यक्ष अध्यक्ष जो हैं यही तो लीड करते हैं, सबको जी, जाकर के ये बताएंगे। तो लोगों में पॉजिटिव, गवर्नमेंट कितना भी कह दे, लोगों को अभी भरोसा उतना नहीं होता है, क्योंकि पिछली सरकारों ने जैसा जो कुछ किया है, उन्होंने जो देखा है, भरोसा नहीं हो रहा। लेकिन उनके अध्यक्ष, उनके नेता जो कहते हैं, तो वो तुरंत मान लेते हैं, चाहे वो गलत कह रहे हो चाहे सही। हाँ, इसी कल तक चीज बात को, करके आए थे बस। इसी चीज को ध्यान में रख करके ही वो अध्यक्ष वगैरह को बुला रहे हैं, ताकि वहां ओके पर जो भी चीजें होंगी तो जाकर के पॉजिटिव न्यूज देंगे, पॉजिटिव बातें करेंगे, इनका भी हाँ, विचार पीएम डीएम सर बदलेगा। संबोधित भी करेंगे तो वो जी। चीजें हम लगातार कह रहे हैं, भैया राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ो, लेकिन वो नहीं पढ़ रहे होंगे। लेकिन जब वहां से आएंगे और वहां पर जो है वो सुनेंगे वो बातें, तो वो ढोई है लगे। भाई वो तो वही बात बताएंगे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, जो प्लानिंग में है, लेकिन बस वो पढ़े नहीं है। अब वहां पर वही चीज वो सुनेंगे अब तो अब सर देखिए, हम हमसे भी कई लोगों से विवाद झगड़ा भी हो गया, झगड़ा मतलब वैचारिक। वो कहते हैं कुछ नहीं करेंगे। हम कहे पहले ध्यान दीजिए कि जब 31 दिसंबर 2022 को पूरे भारत से संविदा को खत्म कर दी गई है, तो कहीं कहीं 31 मार्च को संविदा खत्म हो रही, कहीं संविदा कर्मी की 31 मई को खत्म हो रही, जुलाई से संविदा शुरू हो रही है। तो अभी समय है, जहां जैसा विधान है कुछ भाई, वो 6 महीने पहले 6 महीने। वो 2022 समय रखा गया कि इसके बाद जो है संविदा योजनाएं खत्म कर दी जाएंगी, यानी कि अब संविदा योजना वाली चीजें नई शुरुआत हाँ, नहीं संविदा करनी पे भर्ती नई नहीं होगी। है, जो पुरानी है उसको क्रमशः धीरे धीरे अच्छा, जो व्यवस्था पुराने बनाते हैं वो बनाते, संविदा के रूप में पढ़ाएंगे नहीं, या काम नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे अब होगा ना कि अरे भाई, एक एक विभाग में धीरे धीरे करेंगे तभी तो होगा। मेनली तो ये शिक्षा विभाग से ही संबंधित है, तो शिक्षा विभाग में अब धीरे धीरे हर जगह खत्म करेंगे। हमने जी लगातार बताया है, न्यूज भी आया कि उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहां पर हाँ, पूरी सबका। तरह से संविदा योजना खत्म कर दिया गया। हाँ जी, भविष्य भविष्य में भी लगा दी, ध्यान तो भर्ती नहीं। अब संविदा जो भी है वहां पर योजना के रूप में नहीं चलेगा, संविदा नॉर्मल जो होता है कि अभाव है शिक्षक का, 2 4 महीने 6 महीने की बात अच्छा है। अच्छा सर, ये जैसे खाते की बात पड़ा था कि यहाँ शुरू करिएगा, नेता लोग मानदेय बढ़ाने और समय, ये दो ही बात करी। समायोजन एक शिक्षा में समझ में आए, मानदेय चक्कर पड़ा है कि एक दाएं मुहे से ना निकले कि हम महोदय से, ये भाई सब लोग एक साथ गुजारिश करते हैं कि हमारे लोगों को ऐसा भविष्य बनाए कि इसी जगह से, चाहे हमारा भविष्य हो, चाहे सुरक्षित हो, बच्चे का भविष्य हो, सब बेहतर हो जाए। भाई वो उसके पीछे कारण है आपके ना, ऊपर है, कैसे क्या करेंगे हम लोग वैसे इतना ही जानते। इसके पीछे कारण है, वो इसके आगे सोच नहीं पाते हैं, वो बस ये सोचते हैं कि मानदेय 10,000 है, मानदेय ही चलो कम से कम बढ़ जाए, वो ये सिर्फ नहीं सोचते हैं। हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। हाँ, वो चाहते हैं कि बस मानदेय बढ़ जाए, ये ऐसे चलता रहे तो हमारी राजनीति बनी रहे। जैसे हम एक टाइम कोचिंग चला रहे थे, तो एक मास्टर जी थे, वो काफी विद्वान थे, और उन्होंने जो है शायद यूपीपीएससी वगैरह निकाला था एक बार, या यूपीएससी जो भी निकाला था उन्होंने, इंटरव्यू वगैरह में छट गए थे, विकलांग थे वो। तो कोचिंग हम लोगों ने शुरू किया, तो जानकारी हुई उनके बारे में, उनको भी बुलाया कि भाई ये अच्छे टीचर हैं, इनको भी रखा जाए तो अच्छा रहेगा। आ गए, कुछ महीने बीते पढ़ाई को, तो बच्चों से शिकायत है कि सर जी ये तो सर जी बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो हम लोगों ने एक दिन मीटिंग रखा, उनसे बातचीत किया गया, तो उनका जो विचार था सुन करके हम लोग दंग रह गए। उनका कहना था अगर सब पढ़ा देंगे इनको तो ये पास हो जाएंगे, निकाल लेंगे एग्जाम, तो फिर बच्चे आएंगे कहाँ से। अब सोचिए गंदी उनके क्या विचार सोच थे, ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर इनमें से एक बच्चा भी सिलेक्ट हो जाएगा कितने बच्चे उसके कारण से कितने बच्चे आएंगे। ये बात उनको समझाने में हम लोग असफल रहे, वो पूरा कभी दिमाग खपा समझे दिए। समझ नहीं पाए। फाइनली उनको हम लोगों को हटाना पड़ा, भैया इस तरह के विचार वाले नहीं चाहिए, हम लोग को ऐसे लोग चाहिए जो बच्चों को रिजल्ट दें, उनको समय के अकॉर्डिंग जो है उनका सिलेबस पूरा करा सकें। जी तो अब इस तरह की सोच वाले लोग रहेंगे कि हमारी नेतागिरी न खत्म हो, बल्कि समायोजन हो जो है परमानेंट हो जाएंगे, तब
तब भी मुद्दे बहुत सारे रहेंगे, आप नेतागिरी करते रहिएगा। हाँ करिए, अपन एक समाधान कराते रहे, लेकिन ये पहले हो तो जाए। एक आप रिजल्ट दीजिए तो, तब तो लोग आज इतना आपको पूज रहे हैं, आप 1,000 मांग रहे हैं, 1,000 दे रहे हैं, तब हो सकता है आपको ज्यादा वो महत्व दें। आप अगर कहेंगे 5,000 चाहिए तो 5,000 फेंकने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन जी आप उनको रिजल्ट तो दीजिए। जी जी लेकिन कोई भी नेता आज तक रिजल्ट नहीं दिया है। न दे पाएंगे सर, न दे ही पाएंगे ये, और जहां इन्वॉल्व होंगे ना काम बिगड़ेगा ही। हाँ, ये लोग काम बनाने पर नहीं बिगाड़ने पर लगे रहते हैं। जैसे अभी हम आज ही बिहार का फेसबुक ग्रुप खोले हुए थे, जी और वहाँ हमने कमेंट किया था कि भैया, वो पोस्ट किया था हमने जी कि सेवा चयन आयोग का जो है नियमावली आ चुका है, पढ़ लीजिए, और नेता और धरना वरना के चक्कर में ना रहिए, 3 ही मौके मिले, अपनी तैयारी कीजिए। तो कुछ कमेंट आए थे उस पर लोगों के कि क्या आपको संगठन पर भरोसा नहीं है? अब बताइए, जब वहाँ नियम बन चुका है, गवर्नमेंट नियम बना करके जारी कर चुकी है, 3 ही मौका देंगे, तो हर व्यक्ति को फोकस कहाँ करना चाहिए? पढ़ाई पर। पढ़ाई पर वो किसी की हालत में क्वालिफाई क्वालिफाई के लिए। तो जब आयोग को दे दिया गया, आयोग ने अपना पूरा नियमावली जारी कर दिया, तो अब इसका मतलब बदलने वाला कुछ नहीं है, तो संगठन क्या जी कर कुछ लेगा वहां? नहीं, तो भलाई किसमें है? संगठनों को कहना चाहिए कि भाई, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आप लोग तैयारी शुरू कीजिए। तैयारी करिए, जितने लोग हो जाइए उतना अच्छा है। लेकिन वहां क्या है, संगठन को आपको भरोसा नहीं है, सिर्फ संगठन की बातें हो रही हैं। जी क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ज्यादातर संगठनों के जो नेता वेता बनते हैं, वो जानते हैं हम किसी काम के नहीं हैं, तो सही नेतागिरी से जो कुछ कर सकते है हैं कर ले, वास्तविकता है। आप सर, सही बताइए, शिक्षा मित्र के जितने भी 5-10 नेता थे, उनमें से सर कितने लोगों ने टेट पास किया? कोई नहीं। हम बीए टेट का बता दें, बीए टेट 2011 वाले हम हैं, इसमें जितनी नेता है सब निकल लिए लूट कर करके। अभी वर्तमान में एक नेता है सुनील यादव, उसकी एकेडमिक एकदम गायब है, वो समझिए किसी तरह से सब पास है, एकेडमिक पे उसका होना नहीं है, टीटी में नंबर उसके कम है, उम्र उसके ऐसे निकल चुकी, तैयारी वारी वो करता नहीं, नेतागिरी खाली कर रहा है, और लोगों को खाली याची 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 कर रहा है। तो जब ये लोग जानते हैं कि हम किसी लायक नहीं हैं, तो बस जो अपनी एक नेतागिरी मुद्दा भुनाते करते, रहेंगे। बस पैसा लूट करते रहो, लूटते रहो, कल को जिस दिन ये मैटर खत्म हो जाएगा, तो कम से कम पैसा रहेगा, उससे हम अपना काम चलाते रहेंगे। एक था रविंद्र दादरी नाम का, वो खूब लूट किया, अब वो मार्बल का शोरूम खोल के बैठा है। अब बताइए, उसको नौकरी की जरूरत है? कुछ नहीं, 50 लाख हम बनाया सिस्टम। 50 लाख नहीं भाई साहब, वो 6-7 करोड़ रुपए लूटा है। जी 6-7 करोड़ लूट करके फिर मार्बल का शोरूम खुला। मार्बल का शोरूम खोलने के लिए अच्छा खासा पैसा चाहिए। अब दुई दुई पीढ़ी जरूरत ना इनमें करी। जी एक है प्रवीर श्रीवास्तव, जी आजमगढ़ का है शायद, वो महाशय इतना लूट किए कि उन्होंने दो बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल खोल लिए। अब सोचिए, जमीन अरे खरीदना, बिल्डिंग बनाना, मान्यता लेकर स्कूल खोलना, एक सीबीएसई बोर्ड का है शायद, एक शायद यूपी बोर्ड का, दो स्कूल खोल लिया। अब बताइए, उसको नौकरी की जरूरत है? कुछ नहीं, वो भी सामान्य व्यक्ति था, आया था नौकरी लेने, नौकरी लेते लेते उसने कॉन्वेंट स्कूल दो दो खोल लिए, इतना पैसा हो गया। किसने जी दिया? यही मूर्ख लोग दिए। हाँ अब वो बिल्कुल संगठन को छोड़ करके हट चुका है, अपना स्कूल चला रहा है। हाँ सर, यहाँ से फिर मुताबिक जैसे नई शिक्षा नीति जो सर्कुलर यहाँ से चल रहा है, अधिवेशन के बाद की बात है। हाँ चलिए, तो कुल मिला करके 12 तारीख को जो होने जा रहा है, उससे भी कोई खास उम्मीद नहीं है, वो हाँ एक नॉर्मल जो है सामान्य। नहीं, इधर ये सर जो 12-13 में आचार संहिता खत्म होगी प्रदेश सरकार की, भाई देश में जो होगा होगा, वहां से अनुमति होगी, सिस्टम होगा, बजट पहले पास हुआ होगा, वहां से इंगित करेंगे क्योंकि लक्ष्य वहां का है, तो शुरू करना यहीं से है। तो यहाँ भी सर हो सकता है कि यही 13 मई के बाद ना, हाँ जो हमारा बिल्कुल दिल दिमाग कह रहा है बिल्कुल बिल्कुल उसी तरफ बढ़ रहे हैं। और बढ़ रहे हैं, और 31 मई को संविदा शिक्षा नीति खत्म होती है, क्योंकि मानदेय 31 मई तक मिलता था पहले, अभी अच्छा। मिलता है, और 1 जुलाई से नया संविदा वर्ष शुरू होता है। अच्छा। कहने का मतलब जून छुट्टी होती तो वो भी संविदा वर्ष में शामिल है। हमारा जो अनुमान है सर, 13 मई के बाद से 1 जुलाई के बीच में, चाहे बोल ही दें, चाहे कुछ जारी कर दें, चाहे प्रक्रिया शुरू कर दें,
अभी या कोई अड़चन आई मान लीजिए। अभी केंद्र ने घोषणा किया था, अखबार में न्यूज आई थी, हाँ जी पढ़े तो अब केंद्र जो है अपना जो उनका रोल है वो अपना रोल निभा रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और राज्यों को थे। दिए हैं, तो केंद्र अभी पूरी तरह से खुलकर घोषणा नहीं की है, हाँ जी अब बढ़ रहे हैं, तो अभी जो भी नेता वेता जी लोग हैं उनको बुला करके अपने से जोड़ रहे हैं, हाँ जी ताकि जिस दिन जो चीजें कहें तो वो चीजें एक एक व्यक्ति तक पहुंच जाए जानकारी, जी क्योंकि उनको हर व्यक्ति को पॉजिटिव करके अपने जी फेवर भाई देना है। राजनीतिक जो है और विश्व लेवल के तो ये जो 12-13 में होने जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है जितने भी गुट हैं उनके जो भी अध्यक्ष अध्यक्ष हैं उनको बुला करके अपने फेवर में अपने पॉजिटिव करना, काम तो होना ही है, तो केवल बस उनके कान में पहले डाल दें, हाँ, वो लोग ताकि पहले से कहने लगे हैं। अब कोई नेता है पहले से कहेगा कि हाँ ये चीज होने जा रहा है और फिर वो चीज होगा, तो लोग उनका थोड़ा सा पैड बढ़ जाएगा, लोगों के बीच में थोड़ा सा मजबूती आ जाएगी और फिर आगे चुनाव जो है उसमें उसका लाभ मिलेगा, जयकारा लगवा लेंगे। जी तो यूं तो हम करते हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी, सब लाभ लेते हैं, कोई दूध का धुला नहीं है, लेकिन अगर कुछ अच्छा कोई करके कर रहा है, लाभ ले रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन कहीं कहीं जो गलत चीजें करके लाभ लेते हैं वो नहीं उचित है। तो उचित भी नहीं है, सफल भी नहीं होता है, उसका लाइफ नहीं होती, दूरगामी क्षणिक बिल्कुल, और बड़ा होता और देख ही रहे हैं, शिक्षा में तो भुगत रहे हैं, परेशान हैं। है जी। बहुत सर जी डेली प्रदेश में अभी उस पे यूट्यूब या फेसबुक देखा जा रहा है, तो सर डेली दो तीन चार ऐसे शिक्षा में मतलब अपने प्राण को निछावर कर रहे हैं। केवल वो रीजन चाहे जो रहा हो, केवल जैसे बीमार हुए दवा सुविधा नहीं, बच्चे हैं उनको सुविधा देने के चक्कर में ये अपनी जिंदगी जन्नहार जा रहे हैं, लेकिन क्या करें बेचारे, देखिए, अकेले की सबसे बस तो है मेन नहीं। मेन है पॉजिटिव थिंकिंग, जी अगर वो पॉजिटिव रहते तो हर ठीक चीज जो रहता है अच्छा चलता, हर किसी को 10 ही हजार मिल रहा है, अनेक लोग जी सरवाइव कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जी जो है बीमार होकर या जिस भी कारण से जा रहे हैं तो हाँ कहीं जी ना कहीं उनके अंदर केवल नेगेटिविटी केवल भर गई है। एक ही रीजन नहीं है ये, तो मान लीजिए आर्थिक रीजन है, हाँ, तो बहुत तमाम सारा। समस्याएं हैं। जैसे एक कहावत है सर कि लक्ष्मी जी यदि आई तो लक्ष रोग 1 लाख रोग हर लेती, बिल्कुल। अगर चली गई तो 1 लाख रोग दे भी देती हैं। अगर बुद्धिमान के पास लक्ष्मी आई, मतलब जैसे गुणवान हो, बुद्धिमान हो, कार्यमान हो, तो एक दो पीढ़ी राज करा के जाती है। अगर वो वैसे जीवन में आ गई अधजल वाले में, तो 10-12 आयब भी लेके आती। ध्यान दिए तो आयब में, जैसे लक्ष्मी आने के बाद जेबा गर्म हो तो जेबा ही नहीं शरीर बौरा जाता है, हाँ तमाम तरह के अनैतिक कार्य शुरू हो जाते हैं, वो हाँ जाने कई ही धारा होती। अतीक अहमद उदाहरण है। अरे महा बिल्कुल, देखिए गलत और सही में कितना अंतर है। सही करने वाला 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी राज करता है, और अपने ही उम्र में उठे उम्र पूरा नहीं कर पाए, और सूत ब्याज चक्रविध ब्याज जोड़ करके भी पूरा परिवार, पूरा खानदान, रिश्तेदारी सबको ले बीते। जितने लिंक रहे होंगे ये। अच्छा ऐसा धन, ऐसी ख्याति, ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी सुविधा किस काम की बताइए। वही तो, उनके चाहे बहन रही हो, चाहे चाचा रहे हो, बुआ रही हो, कोई भी हो, सब तो लाइन से लगे हुए हैं लिस्ट में। अब भाई जो जो उनका लाभान्वित हुए हैं, जो सुविधा लिए हैं, जो भी उस दायरे में है, सब जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सह रहा है जिस जिस रूप में जो भी रहा होगा। तो भाई ये तो समाज के लिए, जनता के लिए या गरीबों के लिए अनैतिक भाई। चलिए, काफी लंबी बात हो गई है, अभी जो गुजरात में होने जा रहा है तो वो तो एक सामान्य प्रमेय है, अभी कुछ खास सामने नहीं आएगा, लेकिन फिर भी देखा जाए क्या क्या वहां पर उस दिन होता है, और उसके अलावा अब तो बस हम लोग मुहाने पर खड़े हैं, हर चीज जो भी हम बता रहे हैं वो सारी चीजें अब होने जा रही हैं, सुपर टेट इसी वजह से आ भी नहीं रहा है।
तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या होता है, जो जानकारी होती है हम शेयर करते ही रहते हैं। ठीक सर, हाँ बात होगी, फिर से बात होती रहेगी, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम हमेशा बुद्धिजीवियों के बीच में रहते हैं, इसी वजह से हमारा दिल दिमाग हल्का रहता है। बिल्कुल रहना ही चाहिए ऐसे लोगों को, और हमेशा सर बालपन की आदत सीखने की प्रवृत्ति होती है। बिल्कुल यही होना चाहिए, ज्ञान कहीं से मिल जाए उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके यहाँ हमारे ही मित्र थे डॉक्टर सुभाष दुबे, अच्छा एसीपी थे इसके पहले, अच्छा वो हमारे क्लास फेलो, तो गुरु भाई भी हैं, रिश्तेदार भी हैं। तो हम लोग इलाहाबाद रहते थे, अजय मिश्रा एक आईपीएस हैं, और उस बाद भी ये हमारे यहाँ के एसडीएम हैं एक विवेक मिश्रा जी। कहने का मतलब हमारा दुर्भाग्य रहा, हम बीमार पड़ गए, मतलब स्मरण शक्ति गायब सी हो गई, ज्यादा वर्क करने की वजह से। अच्छा तो दारुल सफा नूर मंजिल हॉस्टल है दारुल सफा पीछे लखनऊ, वहां से 9 साल दबा, जिसे एक दिन कब्र करना मुश्किल है। तो 9 साल जाने के बाद करियर खत्म ही हो गया। बीच में दवा चलती रही, और हमारी दादी ने हमको कहा कि आप शिक्षा में निकला है, आप डाल देंगे अच्छा नंबर हो जाए, कम से कम अपनी दवा अपने आप ले लोगे, जिंदगी तो जीते रहोगे। यही से शुरुआत है सर। अच्छा अच्छा अब धीरे धीरे जब जिस जो नसीब और भाग्य और मुहाने पे जो होता है, जिस समय होना होता वही से उसी समय होता। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कर्म से क्वालिटी क्वांटिटी बढ़ जाती है, क्षमता बन जाती है। होना जो होता है अपने समय पे होता है, जो होता है अच्छा ही होता है। बिल्कुल, जो हुआ कभी कभी खराब होता है या गलत होता है तो गलत नहीं कहा जाता, वो और अच्छा होने के लिए होता। हाँ, उसको समझना होगा कि क्या बदलाव करना है, क्या जो है सुधारना है। अरे भाई, एक एक छोटा सुधार यार, यही समझ में पा रहा होता तो कभी ये सरकार मान ली न छूटी तो चेंज तीसरी आती उस पे अटैक कर देती, कोई मुद्दे राजनीतिक या समाज ले करके ना। लेकिन भले अच्छा नहीं हुआ, अब जो होगा भविष्य में जितने समय रहोगे छेड़ नहीं पाए कुछ। बिल्कुल, और इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी मैटर कोर्ट में शुरू से था, 2015 में हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया, उसके बाद। अच्छा, प्रधानमंत्री महोदय बनारस में गए, हम तो गए थे वहाँ, उन्हें कहा था कोर्ट का अंदर कॉपी आने दीजिए, उसको हम समझेंगे, रास्ता निकालेंगे। तो रास्ता वो शिक्षा में तो उत्तर प्रदेश केवल इतने के लिए, वो देश के प्रधानमंत्री इस टाइप के पूरे देश के लिए मंथन किया, और इनका कल भला कैसे कल्याण होगा। अगर राज्य करते हैं तो अड़चन केंद्र से आएगी, केंद्र करता है राज्य करेंगे, तो ऐसा कुछ किया जाए कि सबका समाधान एक साथ हो। बिल्कुल, वो सबका समाधान निकाले। अच्छा, इतना समाधान होने के लिए भारी भरकम बजट की व्यवस्था, भारी भरकम योजना की व्यवस्था, योजना के परीक्षण की व्यवस्था, फिर लागू होने पर क्या दिक्कतें आएंगी, उसका समाधान कैसे होगा। बिल्कुल, उसमें समय लगता, उसमें सिर्फ शिक्षा मित्र ही नहीं है, शिक्षा मित्र भी हैं और अन्य सब हैं सर, सब हैं, सब हैं। तो किसी एक के लिए नहीं करना था, वो सबको ध्यान में रख के करना था, और सबको ध्यान में रख करके सबके लिए हल निकाले हैं। जी, इसी में पॉजिटिव थिंकिंग, अपनी छोटी सुविधाओं को बढ़ा करके अपने आप को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। यदि इसमें है नहीं है तब भी अपना जीवन जीना ही है। कोई उद्यम करके, कोई रोजगार करके, कोई सुविधा करके, कुछ भी करके, क्योंकि पितृ ऋण जो रहता है पुत्र के ऊपर, वो भी पुत्र परिवार बच्चे को जन्म देकर वो ऋण ही चढ़ा उतारता है। बिल्कुल, यहाँ पर थोड़ा रोकेंगे, काफी लंबी बात हो गई है, और रखेंगे, हमें कुछ काम है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बात हो, बहुत खुशी हुआ, फिर बात होगी। बिल्कुल, नमस्ते। नमस्कार।